वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सर, अभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पे का कार्ड रीडिंग लेकर। और गाइस, इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपका रिकंसिलिएशन कब होगा, कितना टाइम रह गया है। और ये जो टॉपिक है मैंने फिर से उठाया है अपनी पर्सनल रीडिंग से, यानी कि जो मैं हमेशा ही करती हूँ, हमेशा नहीं वैसे ज़्यादातर करती हूँ क्योंकि जो आप लोग कमेंट्स में बताते हो वो भी टॉपिक्स मैं लेकर आती हूँ। और अगर वहाँ से सारे ही टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए होते हैं तो फिर कुछ ये टॉपिक्स भी लेकर आती हूँ जो पर्सनल रीडिंग्स में मुझसे पूछे जाते हैं। अभी जो कलेक्टिव एनर्जी है वो ये है कि ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि उनका रिकंसिलिएशन कब तक होगा, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग्स मैं कर रही हूँ उसमें पूछ रहे हैं लोग ये सवाल, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है भाई। अब जो पेड रीडिंग्स लेते हैं उनके लिए तो आसान है, वो मुझसे पूछ लेते हैं कि मैम बता दीजिए कब होगा रिकंसिलिएशन। और जो नहीं ले सकते हैं रीडिंग्स उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो टॉपिक मुझसे जो सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फिर वही टॉपिक मैं लेकर आती हूँ कि भाई जो लोग रीडिंग्स नहीं ले सकते हैं, सवाल तो उनके भी मन में होंगे, है ना, फिर वो करें क्या। तो सोचा कि इसी टॉपिक पर बनाती हूँ मैं वीडियो। चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, मैंने कार्ड्स कर लिए हैं अच्छे से शफल। सो गाइज, यहाँ पर तीन कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। कार्ड नंबर 1 सन, कार्ड नंबर 2 गॉडेस ऑफ द मून, कार्ड नंबर 3 विक्ट्री। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और मैंने आपको बताया ही है कि किस तरीके से आपको कार्ड सिलेक्ट करने हैं। कुछ देर के लिए मेडिटेट करें और देखें कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वही कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर ये करने में अभी दिक्कत है, हालांकि मैं चाहती यही हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन से ही सिलेक्ट करें, मेडिटेशन करें और ख़ुद में कॉन्फिडेंस लेकर आएं, अपनी इंट्यूशन को सुनना सीखें एंड उस तरीके से कार्ड्स का सिलेक्शन करें। लेकिन अगर अभी अभी आपने इनर वर्क करना शुरू किया है तो इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं होता कि आप अच्छे से अपनी इंट्यूशन को सुनने समझने लगें और इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि आप कोई कार्ड चूज़ करें और आपको पूरा यकीन हो कि ये आपके लिए ही है। तो उस वक्त आप चिट यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आप चिट बना लिया करो पेपर की 1, 2, 3 करके, और उसके बाद उनको छोड़ देना है प्रे करके टेबल पर या जहाँ पर भी आप बैठे हैं, और फिर एक उठा लेना है जिनको आप मानते हो, उनसे प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हमें बताइए कि हमारे लिए कौन सा फाइल है। और एक आपको चिट उठानी है और जो भी नंबर होगा वही कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिर्फ तब तक के लिए है जब तक कि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है जितने की आपको ज़रूरत है, उतना वो क्षमता जब तक नहीं आ जाती है, जब तक कि आप अपनी इंट्यूशन को ठीक से सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तब तक के लिए है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनना सीखें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है तो वो उस पर काम करें, मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना कार्ड देख लीजिएगा और सीधा आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाएं, अपनी रीडिंग देख लें। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है द सन और जानना चाहते हैं कि आपका रिकंसिलिएशन कब तक होगा आपके पार्टनर के साथ में, तो चलिए हम देखेंगे, कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगी एंड देखते हैं कि किसके लिए रीडिंग आई है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी ताकि आप समझ सके कि आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं। ओके, ओके, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। ओके,
यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं एयर साइन हो सकते हैं या फिर आप अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर कोई तो बहुत मेच्योर है और कोई बहुत ही ज्यादा इमेच्योर है, ठीक है। एज गैप हो सकता है, या तो आप बड़े हो सकते हैं या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे 4 से 5 साल बड़े हो सकते हैं। एंड यहाँ पर भाई फाइट हुई है आप दोनों की, और हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक किया हो। अगर ब्लॉक नहीं किया है तो बात नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट मोड में हैं, तब आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज आप दूसरा पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है कि फाइट हुई है, और फाइट होने के बाद में या तो ब्लॉक किया गया है, और अगर ब्लॉक नहीं किया गया है तो बात नहीं चल रही है। इस दौरान आपने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खुद पर काम भी किया है, और इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पहले भी किया है और अभी भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो दिख रही है, ये फील हो रहा है कि आपके मन में अब ऐसा हो गया है, मतलब आपकी एनर्जी अब ऐसी हो गई है कि भले ही इस बंदे के साथ में आपकी शादी हो या ना हो, लेकिन आपको जस्टिस मिले, और इस बंदे को ये रियलाइज हो कि इसने जो अभी तक आपके साथ किया वो गलत था। और अगर ये बंदा हो सकता है आपसे कहता हो कि ये काफी मेच्योर है और आप इमेच्योर हो, तो ये चीज इसको समझ आए कि मेच्योर असल में कौन है, किसको सही और गलत का पता है, और किसमें वो क्षमता है कि सही समय पर सही निर्णय ले सके, ठीक है। ये मुझे मैसेज मिला है, तो देखिएगा कि आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं होता है। एंड और देख लेते हैं, सॉरी गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं, वेट। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अभी आपके पार्टनर का ये है कि भाई चाहते तो हैं ये वापस आना, ठीक है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है अभी तो ये वापस तो आना चाहते हैं, और आपको स्टेबल ऑफर भी देना चाहते हैं, यानी कि रिकन्सिलिएशन तो होगा ही होगा। एंड कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी ये देना चाहते हैं आपको, ठीक है। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो आप दोनों के बीच में, तो उसको लेकर मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने ही रिश्ता ख़त्म किया, कुछ भी कहकर किया हो। मुझे आपकी तरफ से यहाँ पर मुझे ये लग रहा है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, 10 to 20% होंगे जिन्होंने ब्लॉक किया है। अगर यहाँ पर कुछ ब्लॉकिंग वगैरह का कुछ है तो आपके पार्टनर की तरफ से है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो हाँ ये बात करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, और ये हुआ है उस वक्त से जब से आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। ओके, इनको अभी कुछ महीनों से मुझे लग रहा है, या फिर कुछ दिनों से इनको कुछ ना कुछ ऐसा पता चला है आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, या फिर आप बहुत क्रिएटिव हो, या कुछ भी ऐसा पता चला है जो कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे, ठीक है ना। और अब इनको ये फील हो रहा है कि अब इनको आपके पास वापस आना है, क्योंकि इन्होंने जो किया वो गलत कर दिया, ठीक है। इनको ऐसे ऐसे फील हो रहा है, आना तो ये चाहते हैं अभी, इनका वश चले तो हो सकता है कल या परसों ही आपसे बात कर लें, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम ये लेने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि रिकन्सिलिएशन की डेट क्या होगी। सो आपको मैं यही कहूँगी कि भाई जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, ये करते रहना, ठीक है, इसी वजह से ये बदलाव आया है, तो इसको नहीं रोकना है। ओके, तो टॉवर, एक कार्ड मुझे और चाहिए, टू ऑफ कप्स। ओके, सो
कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं डेट्स आपको बता रही हूँ, टाइम आपको बता रही हूँ, ध्यान से वो सुनिएगा। कुछ लोगों के लिए है विद इन 2 ईयर्स, ओके, 2 साल के अंदर अंदर रिकन्सिलेशन आपका होगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स, यस, एंड हाँ विद इन 2 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स, अगस्त भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, ठीक है, बहुत ही कम लोगों के लिए लेकिन लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए 2 साल, 2 साल के अंदर अंदर इनके साथ में आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। शादी का अगर आप सोच रहे हैं इनके साथ में, तो फिर मैं वही कहूँगी कि बेहतर रहेगा आप खुद पर ही काम करें पहले, खुद की ग्रोथ पर, और उसके बाद ही चीज़ें वैसी होती जाएंगी जैसे कि आप चाहते हो, क्योंकि अभी भी इसी वजह से हुई है, वैसे नहीं होती। ये बंदा कैप्रिकॉर्न हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़िद्दी है, बहुत ही ज़्यादा, और इसकी ज़िद सिर्फ इसलिए ही टूटी है क्योंकि आपने खुद पर काम करना शुरू किया और इस बंदे को लेट गो किया है आपने, तो ये तभी पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो आपको ये करते रहना है। ये कार्ड में और देखना चाहूँगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, शादी के चांसेस हैं। सो ये आपकी टाइमिंग थी और ये थी आपकी रीडिंग। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस, आपके क्या आते हैं। के है यहाँ पर, एम है, 8XZHUN7J, ओके, ये इनिशियल्स हैं गाइस। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, गॉडेस ऑफ द मून, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है और किसकी ये रीडिंग होने वाली है। लेट्स सी, फूल, ओके, 7 ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड, डिस्टेंस रिलेशनशिप, दूर रहते हैं आपके पार्टनर आपसे, ओके, एंड आई थिंक बहुत मेहनत करी है आपने पूरे, यहाँ पर 7 ईयर्स हो सकते हैं, यहाँ पर 6 ईयर्स, जो कुछ आप कर सकते थे आपने सब किया, कुछ नहीं छोड़ा, बहुत मेहनत करी है। और अभी आई थिंक इतना सब कुछ करने के बाद में आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं आपने कर दिया है, ये मैं देख रही हूँ। नहीं किया है तो आपके लिए मैसेज है कि आपको अब सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आपको करना था आप कर चुके हो, अब बस यही है कि आप सरेंडर कर दें और डिवाइन को अपना काम करने दें। सरेंडर से मेरा मतलब क्या है आप लोग जानते हैं, मैं बोलती हूँ सरेंडर तो काफ़ी लोगों को ये समझ आता है कि सरेंडर का मतलब है बैठ जाओ और कुछ नहीं करना, मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना, नहीं, ये नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है आपको वेट नहीं करना है, आप जो कर्म कर रहे हो वो करते रहो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो करते रहो, प्रेयर्स कर रहे हो करते रहो, लेकिन टाइम का वेट मत करो कि कब आपकी विश पूरी होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, भले ही देखो यहाँ पर कुछ लोग तो सोशल मीडिया से मिले होंगे क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके, लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स भी है। इसका मतलब ये है कि ये आपसे दूर रहते हैं, मिले चाहे आप कैसे भी हों, सोशल मीडिया पर मिले हों या आमने सामने कैसे भी मिले हों किसी पार्टी में, फंक्शन में, लेकिन ये रहते दूर ही हैं आपसे, ठीक है, ये है यहाँ पर। देख लेते हैं और क्या आता है, और रिकन्सिलिएशन होगा, कब तक होगा। द टावर, ओके, तो आई थिंक इन्होंने आपको गोस्ट किया है या आपको छोड़कर चले गए थे, वो भी बिन बताए। और ये बहुत बुरा लगता है, बहुत ही गंदा है ये, मतलब कि आप अगर जाते हो तो आपको कुछ तो क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, कुछ भी कह के जाओ, ये तो क्या है इसका मतलब, पता नहीं लोग क्यों करते हैं ऐसे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, सो इसका मतलब ये वापस फिर से आए हैं आपके पास,
इन्होंने आपको गोस्ट किया, आपको समझ भी नहीं आया कि किस वजह से क्या हुआ, और उसके बाद ये वापस फिर से आए और साइकिल चल रहे हैं एक्चुअली आप दोनों के बीच में, सिक्स ऑफ कप्स। तो मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि जब ये आपके कांटेक्ट में थे इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें करी हों जिससे आपको लगा कि आपको प्यार करते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, शायद शादी वगैरह कुछ करना चाहते हैं, और जब तक आपने सोचा, जब तक आपने समझा, तब तक ये निकल लिए, और आपको समझ ही नहीं आया होगा कि बात हो क्या गई। तो यहाँ पर दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, एक तो ये कि शायद देखो ये आपसे खुश थे, ये आपसे शादी करने का सोचते थे, लेकिन घर पर इनको सभी ने ना कह दिया, स्पेशली इनकी मॉम की अगर मैं बात करूँ उन्होंने, और अगर वो नहीं है तो इनकी जो भी एक्स होंगी वो वापस आ गई होंगी या आ गए होंगे, उनकी वजह से इश्यूज़ हुए। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने आपको गोस्ट भी किया, ये वापस आए भी, लेकिन चीज़ें फिर से वैसे ही चलने लग गई कि मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो यहाँ पर सेवन ऑफ वांड्स नहीं आता, यानी कि मेहनत कहीं ना कहीं अभी भी आप कर ही रहे हो, सरेंडर किया है, लेकिन फिर भी आस है आपको कि कभी तो चीज़ें सुधरेंगी। ओके, सो देख लेते हैं। ओके, जो मैं बात कर ही रही थी, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं मैरिड हों, और जब इन्होंने आपको गोस्ट किया तो ये किसी और के साथ में इंगेज्ड हुए हों या शादी हुई हो और फिर वो भी नहीं चली। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इनकी सिस्टर या सिस्टर इन लॉ हों जिनकी वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है ना, टेन ऑफ पेंटिकल्स, यस, फैमिली है, फैमिली है भाई, फैमिली है बीच में। ओके, देखिए अगर मैरिड हैं तो भाई इनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, अदरवाइज इनकी मॉम या सिस्टर हो सकती हैं। ठीक है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। एंड रिकंसिलिएशन तो होगा आपका, ठीक है, वो तो मैंने चेक कर लिया। अब देख लेते हैं कि कब तक होगा। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स का मतलब है कि मार्च, ठीक है, मार्च में होगा नेक्स्ट ईयर, या फिर दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर से लेकर मार्च तक ये रिकंसिलिएशन, क्या ये शादी होगी आप दोनों की। ठीक है, वो मुझे पहले से ही लग रहा था, टेन ऑफ पेंटिकल्स जब आया था तो ये है। यहाँ पर इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बाय द वे, लगा मुझे TDN5BYAKQ, ये इनिशियल्स हैं आपके गाइस। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है विक्ट्री का, तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, गुड टाइम इज कमिंग, सिक्स ऑफ वांड्स, जस्टिस, जस्टिस मिलने वाला है गाइस आपको। विक्ट्री का कार्ड भी आपने चूज़ किया है, और ये जो कार्ड होता है ना ये भी विक्ट्री को ही बताता है। जस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलने वाला है, और कर्म आपके अच्छे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दिन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आपको 666 या फिर 111, 222 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप्स, अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है मदर यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं ये यहाँ पर क्यों आया भाई। ओके, दो कार्ड्स भी आ गए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ऑल राइट, सो गाइज दो ऑप्शंस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, ये होने वाला है, एक तो वो बंदा आएगा जिसके साथ में आप रिकंसिलिएशन के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इसका मतलब है कि सेपरेशन चल रहा है, इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स था, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का। सो हाँ, एक तो आपके पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आएंगे,
एक कोई और आएगा, ये एक तरीके से ये जो बंदा है, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये आपके किसी रिलेटिव के थ्रू आएगा, ठीक है, अरेंज मैरिज के जैसे, ठीक है, कोई रिश्ता बताएगा और इससे आपकी मुलाकात होगी और आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि आपको रहना किसके साथ है, किसके साथ में जाना है। ये है यहाँ पर। पानी पी लूँ? ओके गाइस, सो चलिए, ये मैसेज हमने पूछा तो नहीं था यूनिवर्स से, लेकिन उन्होंने बताया है, तो भाई आप सोच समझ कर फैसला लें, आपसे यही कहूँगी मैं। इंट्यूशन की सुने और देखें कि कौन आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो इनके साथ देख लेते हैं, रिकंसिलिएशन होगा, हालांकि दिख रहा है कि यस होगा, उसके बाद भी एक कार्ड से हम कंफर्म ज़रूर करेंगे कि क्या यहाँ पर आएगा। आपके सामने ही शफल कर लेती हूँ, आपको ये ना लगे कि दी ने ऐसे ही। ओके, रिकंसिलिएशन है, बेशक है। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जोड़ा बन गया। तो अब देख लेते हैं कि कब तक होगा, टाइमिंग देख लेते हैं हम यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, एक कार्ड मैं फिर भी निकालूंगी, हालांकि टाइमिंग तो दिख गई है। फाइव ऑफ कप्स, ओके, अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आने वाले 7 से 8 दिनों में हो जाएगा रिकन्सलेशन, और कुछ लोगों का यहाँ पर होगा अक्टूबर या नवंबर में, ठीक है, इसी साल में, नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल में होगा। मैं कुछ और भी देख लेती हूँ। द फूल, आपसे कहा गया है कि बेहतर होगा कि आप यूनिवर्स से ये मैनिफेस्ट करें कि जो आपके लिए अच्छा है, जो आपका ट्रू लव है, वो आपको मिल जाए। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो कि दी हम कैसे करेंगे सिलेक्शन, हो सकता है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आपको यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ देना है, जो आपके लिए है वो आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए बेहतर है वो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जजमेंट है, ठीक है, तो आपको बस ये प्रे करना है कि मदर यूनिवर्स जो हमारे लिए है, जो हमारा ट्रू लव है, उसके साथ में हमें मिलवा दीजिए और जो भी हो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके, क्यू के एम 4 N आई वी एल वी एक्स टी डी एफ, ओके, टी, ये इनिशियल्स हैं आपके गाइस, और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।